हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉज के बारे में बात की थी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी हमने सीखा था। अब आगे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर या फिर फोर्स के ऊपर कुछ बातों को और समझने की कोशिश करेंगे और लिफ्ट मैन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये सीखेंगे। ये लिफ्ट मैन प्रॉब्लम जो है वो नीट JEE CET के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो जो बच्चे नीट JEE CET की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करेंगे। और भी कुछ बेसिक फिजिक्स की बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को देखने के लिए मैंने जो प्रीवियस वीडियोस इसके ऊपर अपलोड किया है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सब बातों को बार 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 देख के अपने कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट या फिर मजबूत करें। तो आगे की कहानी ये है कि वी नो दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दो बॉडीज अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है तो एक दूसरे के ऊपर की बात है, पहली बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जितना फोर्स एग्जर्ट करेगी दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स एग्जर्ट करेगी। एनीवे, नाउ यू नो मास एंड वेट इज अ डिफरेंट। मास इज द टोटल मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी एंड वेट इज नथिंग बट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन दैट बॉडी। तो वेट का जो फार्मूला है वो भी आप जानते हैं कि वेट का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इनएनिमेटेड बॉडी की अगर बात है तो मास ऑफ द बॉडी इज अ कॉन्स्टेंट, तो देयरफोर मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लेस अगर चेंज हो गई कंसिडरेबली, अगर लॉन्ग डिस्टेंसेज की हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी होने की वजह से, बदलने की वजह से पर्सन का या बॉडी का वेट जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा। तो ये कंसीडर करिए कि अगर कोई पर्सन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और ऐसे सिचुएशन में पर्सन का मास अगर एम इतना है तो पर्सन का वेट जो है वो एम जी इतना होगा, तो पर्सन को अर्थ अपनी तरफ एम जी इतने फोर्स से खींचेगी, लेकिन ये पर्सन अर्थ के तरफ नहीं आएगा क्योंकि बीच में प्लेटफॉर्म है। तो बीच में प्लेटफॉर्म होने की वजह से क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म भी पर्सन के ऊपर उतनी ही रिएक्शन प्रोवाइड करेगा जितने के उसके ऊपर एक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। एंड देयरफॉर वी कैन से टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एन मतलब प्लेटफॉर्म ने पर्सन के ऊपर एग्जर्ट किया हुआ फोर्स है और एम जी मतलब पर्सन ने प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जर्ट किया हुआ फोर्स है, राइट। अब क्या होता है कि एन इतना फोर्स जो है वो पर्सन को महसूस होता है अपने ऊपर एक्ट हो रहा है और इसीलिए उतना फोर्स वो पर्सन महसूस करता है एज हिज वेट, जिसको हम कहेंगे अपेरेंट वेट, राइट। तो यहां पर पर्सन का एक्चुअल वेट कितना है बच्चों, पर्सन का एक्चुअल वेट है एम जी और पर्सन कितना वेट या फोर्स महसूस कर रहा है एम जी, मतलब जितना एक्चुअल वेट है उतना ही अपेरेंट वेट है या फिर उतना ही वेट वो पर्सन महसूस करता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये बात सोचिए कि अगर हम यहां से प्लेटफॉर्म को हटा देंगे, मतलब प्लेटफॉर्म को कंसीडर नहीं करेंगे, प्लेटफॉर्म को कंसीडर नहीं करेंगे लेकिन प्लेटफॉर्म ने एग्जर्ट किया हुआ फोर्स जो है वो दैट एग्जिस्ट। तो अब ये सोचिए कि अगर पर्सन को एज इस पॉइंट एट दिस पॉइंट बाय दिस पॉइंट अगर मैंने कंसीडर किया तो इस पर्सन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ का फोर्स कितना है एम जी और अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म का फोर्स कितना है एन। अब जितना एम जी है उतना ही एन है और इसीलिए जो नेट फोर्स पर्सन के ऊपर एक्ट होगा वो कितना होगा एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो और इसीलिए पर्सन जो है वो अपने एक ही जगह पर स्टेडी रहेगा, वेलोसिटीज की जीरो, राइट, क्योंकि फोर्सेज जो है वो बैलेंस्ड है। अब ये बात सोचिए कि पर्सन के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होते हैं बेसिक फोर्सेस जिनकी हम बात करेंगे एम जी और एन, ये अगर कुछ इस तरह से, यहां पर कैसा था एन 100 न्यूटन था, एम जी भी 100 न्यूटन था और इसीलिए 100 माइनस 100 नेट फोर्स पर्सन के ऊपर एक्टिंग था जीरो और इसीलिए पर्सन जो है वो अपनी जगह पर स्टेडी था। अब ये सोचिए कि लेट से ये पर्सन है और इसका अपना वेट जो है डेफिनेटली एम जी वो है 100 न्यूटन, लेकिन प्लेटफॉर्म का जो फोर्स है पर्सन के ऊपर जिसको कि हमने नॉर्मल रिएक्शन कहा, ये नॉर्मल रिएक्शन यहां पर वेट से ज्यादा है और वो कुछ 120 न्यूटन है, तो ऐसे केस में क्या होगा सोचिए, फोर्सेस अब बैलेंस्ड है क्या? नो, फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड, फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड और इसीलिए जो नेट फोर्स यहां पर एक्ट होगा वो कितना होगा
n प्लस लेना पड़ेगा, mg अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लेना पड़ेगा, और n कितना है तो डेफिनेटली 120, माइनस mg कितना है तो 100, और इसीलिए ये 120 माइनस 100 मतलब नेट फोर्स पर्सन के ऊपर कितना एक्ट होगा, 20 न्यूटन, और ये जो 20 न्यूटन इतना फोर्स है, ये फोर्स मतलब होगा इस बॉडी का मास, और इनटू इसमें जो एक्सेलरेशन एट दैट टाइम जनरेट होगा दैट एक्सेलरेशन. तो देयरफॉर मैथमेटिकली नाउ वी कैन राइट n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma. ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें. यहां पर नेट फोर्स जीरो था, बॉडी स्टेडी थी, लेकिन यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स से ज्यादा था, और इसीलिए बॉडी की मोशन जो थी, नेट मोशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और वो जो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग फोर्स बॉडी के ऊपर था, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो देयरफॉर वी कैन से यहां इस केस में होगा एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए. तो यहां पर पर्सन जो फोर्स महसूस करेगा वो कितना होगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स पर्सन महसूस करेगा वो n इज इक्वल्स टू एम जी को अगर आप उधर ले जाओगे तो वो हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, क्योंकि माइनस एम जी उधर ले जाओगे तो वो हो जाएगा प्लस एम जी, और फिर इसीलिए आपको कहना पड़ेगा n इज इक्वल्स टू एम इन ब्रैकेट जी प्लस ए. तो यू कैन सी कि यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन पर्सन महसूस करता है वो पर्सन के एक्चुअल वेट से ज्यादा है, और वो पर्सन के एक्चुअल वेट से ज्यादा होने की वजह से इस केस में पर्सन हेवियर महसूस करने लगेगा. तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लिफ्ट का एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करेंगे. तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं और आप लोगों को लिफ्ट का एग्जाम्पल लेके इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इलैबोरेटिवली समझा देता हूं. आप ध्यान से देखते रहिए, कंसीडर करिए. सबसे पहले तो ऊपर की डायरेक्शन मतलब हमने ले ली प्लस, और नीचे की डायरेक्शन मतलब हमने ले ली माइनस. आप जानते हैं कि फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय साइन कन्वेंशंस को अप्लाई करना या यूज़ करना ज़रूरी होता है, और प्रॉपरली जब हम उसको अप्लाई यूज़ करते हैं तभी हम करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इन साइन कन्वेंशन की बात की थी, अगर आप चाहते हैं तो आप वो पहले वीडियो जो है वो देख सकते हैं ताकि इसको आप अच्छी तरह से समझ सकें. लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता दूँ कि ऊपर की डायरेक्शन अगर प्लस है तो पार्टिकल अगर ऊपर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस, वेलोसिटी प्लस, लेकिन एक्सेलरेशन प्लस या माइनस ये डिपेंड होगा पार्टिकल की ऊपर जाते समय स्पीड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है इसके ऊपर. ऊपर जाते समय स्पीड अगर इंक्रीज होती है, ऊपर की डायरेक्शन अगर प्लस है तो एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा प्लस, लेकिन ऊपर जाते समय स्पीड अगर डिक्रीज होती है और ऊपर की डायरेक्शन अगर प्लस है, स्पीड अगर डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा माइनस. लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब पार्टिकल आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर माइनस है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस, वेलोसिटी माइनस, लेकिन एक्सेलरेशन प्लस या माइनस ये वंस अगेन डिपेंड होगा स्पीड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है इसके ऊपर. पार्टिकल नीचे आते समय स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा माइनस, लेकिन पार्टिकल की स्पीड अगर डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा प्लस, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो माइनस है. तो एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं. समझिए कि ये कोई लिफ्ट है और ये लिफ्ट जो है वो प्रेजेंटली स्टेडी है, मतलब एक ही जगह स्टेडी है, और इस लिफ्ट में ये पर्सन खड़ा है. पर्सन का अपना मास एम इतना है, तो पर्सन का जो वेट होगा वो डेफिनेटली एम जी इतना होगा. तो एम जी इतने फोर्स से अर्थ पर्सन को अपनी तरफ खींचेगी. टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन उतनी ही एक्ट होगी. तो पर्सन के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होगा वो होगा एन माइनस एम जी और इज इक्वल्स टू होगा जीरो, बिकॉज पर्सन इज एट रेस्ट, पर्सन इज नॉट मूविंग, राइट. तो देयरफॉर वी कैन से दैट द एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो, जैसे कि प्रीवियसली मैंने बताया था. अब देखो क्या होगा, ये n यहीं पर रखकर माइनस mg अगर उधर ले जाओगे तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस mg, और n इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द पर्सन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. तो प्लेटफॉर्म का जो फोर्स पर्सन महसूस करेगा वो एग्जैक्टली पर्सन का जितना वेट है उतना ही होगा, और इसीलिए यहां पर पर्सन का अपेरेंट वेट जो है वो पर्सन के एक्चुअल वेट इतना ही होगा. कब? जब लिफ्ट स्टेडी है तब. लेकिन अब आगे सोचिए कि लेट्स से ये वो लिफ्ट है और इस लिफ्ट में वो पर्सन खड़ा है. पर्सन का अपना मास एम इतना है, इसीलिए पर्सन का जो वेट है वो एम जी इतना होगा. लिफ्ट जो रिएक्शन प्रोवाइड करेगी वो कुछ एन इतनी है, और इन एडिशन टू दैट लिफ्ट अब ऊपर जा रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है ऊपर जाते समय, तो लेट्स से जो नेट एक्सेलरेशन है उसका वो कुछ ए इतना है. अब क्या होगा सोचिए, पर्सन के ऊपर ऊपर फोर्स कितना है एन,
नीचे फोर्स कितना है माइनस एम जी, और अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते तो लिफ्ट अपनी जगह पर स्टेडी होती, लेकिन लिफ्ट पर्सन को इतने एक्सेलरेशन से ऊपर ले जा रही है, तो पर्सन की अगर बात करेंगे तो पर्सन के ऊपर फोर्स ऊपर एन नीचे एम जी, लेकिन नेट फोर्स जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, और उस पर्सन में बॉडी में पर्सन के बॉडी में अगर इतना एक्सेलरेशन है तो पर्सन के ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट होगा वो होगा पर्सन का मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट फोर्स ही बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल हमने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग, ये अगर 120 है ये अगर 100 है, तो 120 माइनस 100 मतलब 20, तो 20 मतलब होगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 120 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 20। एनीवे अब सोचिए mg अगर आप उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू mg प्लस ma, mg प्लस ma, और m को अगर आप कॉमन निकालेंगे तो n इज इक्वल्स टू होगा m इन ब्रैकेट g प्लस a। तो देखिए अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर प्लेटफॉर्म का जो फोर्स पर्सन के ऊपर है वो mg प्लस ma है, मतलब इन एडिशन टू द वेट एम ए इतना ज्यादा फोर्स पर्सन के ऊपर एक्ट होगा, और इसीलिए यहां पर जो अपेरेंट वेट है वो पर्सन के एक्चुअल वेट से जरूर ज्यादा होगा। तो इसीलिए लिफ्ट जब ऊपर जाती है और ऊपर जाते समय जब लिफ्ट की स्पीड जब बढ़ती है तो पर्सन हेवियर महसूस करता है, उसका अपेरेंट वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब आगे देखिए, समझिए कि ये लिफ्ट है वंस अगेन, और इस लिफ्ट में ये पर्सन खड़ा है, और इस पर्सन का जो वेट है वो एम जी इतना है, और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एन इतनी है। अब यहाँ पर लिफ्ट जा रही है ऊपर ही, लेकिन ऊपर जाते समय इसकी स्पीड हो रही है डिक्रीज, तो डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा माइनस ए। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन एंड द लॉ, अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो इस केस में होगा एन माइनस एम जी प्लस एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू होगा m into acceleration in this case is nothing but the minus a. So therefore we can write n minus mg is equals to minus ma. So n is equals to ho jayega mg minus ma. So therefore n is equals to hoga m in bracket g minus a. So yahan par aap dekh sakte hain jo normal reaction aapke upar act hogi wo aapka actual weight jo hai usse kuch kam hogi, और इसीलिए आप जो फोर्स महसूस करेंगे वो आपके वेट से कुछ कम होगा, और इसीलिए अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा। तो देखिए जनरली ये कहा जाता है कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हमारा अपेरेंट वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन हर वक्त ऐसे नहीं होता। हाँ, लिफ्ट ऊपर जाते समय अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तब अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा, लेकिन लिफ्ट ऊपर जाते समय अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम होगा। चलो और थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट केस में वंस अगेन हम कंसीडर करेंगे ये वो लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में ये वो पर्सन है जिसका मास एम है, और मास एम होने की वजह से पर्सन का वेट है एम जी, और फ्लोर की जो रिएक्शन है लिफ्ट के वो है एन। और अब लिफ्ट जा रही है नीचे, अब नीचे जाते समय लिफ्ट की स्पीड हो रही है इंक्रीज। अब नीचे जाते समय लिफ्ट की स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो यहां पर एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा माइनस ए, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अब अगर हम नेट फोर्स की बात करेंगे तो ऊपर का फोर्स है प्लस एन, नीचे का फोर्स है माइनस एम जी, और इज इक्वल्स टू नेट फोर्स है पर्सन का मास इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द माइनस ए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, एंड देयरफॉर n इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट g माइनस ए। तो यू कैन सी कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मतलब फ्लोर ने पर्सन के ऊपर किया एग्जर्ट किया हुआ फोर्स जो है वो एक्चुअल वेट से कम है, और इसीलिए यहाँ पर अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम होगा। कब? जब लिफ्ट नीचे जाएगी, और नीचे जाते समय जब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तब। लेकिन समझिए कि लिफ्ट जा रही है नीचे, और लिफ्ट जब नीचे जाती है तो नीचे जाते जाते समझिए कि लिफ्ट की स्पीड हो रही है डिक्रीज। अब लिफ्ट की स्पीड अगर नीचे जाते समय डिक्रीज हो रही है, नीचे की डायरेक्शन निगेटिव है, निगेटिव डायरेक्शन में स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमको लेना पड़ेगा प्लस ए। अब नेट फोर्स की बात करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है एम जी, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है एन, तो नेट फोर्स होगा एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू लेना पड़ेगा डेफिनेटली मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज नथिंग बट द प्लस ए, और इसके ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, एंड देयरफॉर वी कैन से एन इज इक्वल्स टू एम इन ब्रैकेट जी प्लस ए, तो दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन। तो यू कैन सी
जब लिफ्ट नीचे जाती है तो हर वक्त हम हल्का महसूस नहीं करते, हाँ लिफ्ट नीचे जा रही है और स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो हम जरूर हल्का महसूस करेंगे, लेकिन लिफ्ट नीचे जाते समय उसकी स्पीड अगर डिक्रीज होती चली जा रही है तो हम हल्का नहीं बल्कि उल्टा भारी महसूस करेंगे। तो इसीलिए इसको मतलब ऐसे मत ले ले, ऐसे मत सोचिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अपेरेंट वेट बढ़ेगा, नीचे जा रही है तो अपेरेंट वेट कम होगा, नॉट लाइक दैट। उसको जरा माइक्रोस्कोपिकली कॉन्सेप्ट को सोचिए, लॉस को प्रॉपरली अप्लाई करिए, फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और फिर कंक्लूजन पर आइए, जिसमें से आपको ये पता चलेगा कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो अपेरेंट वेट ज़्यादा भी हो सकता है, अपेरेंट वेट कम भी हो सकता है, और लिफ्ट जब नीचे आती है तो अपेरेंट वेट कम भी हो सकता है, अपेरेंट वेट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि लिफ्ट जब अपनी जगह पर स्टेडी है तो ऐसे सिचुएशन में अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट इतना होता है, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाती है और उसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होता है, और लिफ्ट जब ऊपर जाती है स्पीड उसकी डिक्रीज होती है तो अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम होता है। आगे लिफ्ट जब नीचे आती है स्पीड जब डिक्रीज होती है तो अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम होता है, लेकिन लिफ्ट नीचे आते वक्त अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होता है। तो भले आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इन सब बातों को लिखकर इसके ऊपर रिपीटेडली रिवीजन करिए और इसके ऊपर आने वाले प्रॉब्लम को सक्सेसफुली और करेक्ट सॉल्व करिए। नीट और JEE CET जैसे एग्जाम्स देने वाले बच्चे ऐसे बातों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ताकि फाइनल एग्जामिनेशन में गलतियां ना हो, और आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोगों तक ये सब बातें और इससे भी कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट मैं पहुंचा सकूं और आसानी से इन सब बातों को आप समझ सकेंगे। तो रिपीटेडली आप इस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और अभी मुझे दीजिए छुट्टी। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।